बेटा क्वेश्चन कुछ बहुत सिंपल से शुरू करता हूँ, कल वाली कुछ बातों को बढ़ाते हुए। मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, कोई बच्चा कर पाए तो शायद। फर्स्ट 789 इंटू 789 इंटू 789 प्लस 211 प्लस इंटू सॉरी 211 इंटू 211 अपॉन में 789 इंटू 789 माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 इंटू 211। पहले का कोई अच्छा अगर आंसर दे पाए तो बहुत मजा आ जाएगा। 789 और 211 की सीरीज चल रही है सर, देखते हैं सर, ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा ये आंसर दे पाए मेरे पास, कि मेरे पास है 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर दिस होल अपॉन में 893 इंटू 786 इंटू कितना 786। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। ठीक है सर, मेरे को ये बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट ऑफ 684 इंटू 759 इंटू 413 इंटू 676। मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। सिर्फ इतना सही चाहिए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, अगर बच्चा बता पाए तो किसी भी प्रकार से। क्या बात कर रहे हो सर, ठीक है बेटा, तू एक बार ट्राई करके देख, कभी तुझे आ जाए तो किसी भी प्रकार से। चलो सर हम ट्राई तो करते हैं। तो उसके अलावा क्या है, अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 12 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैन यू फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब माइनस 27। तो क्या सर आज की क्लास इन पांच क्वेश्चन से स्टार्ट है। क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला वाला क्वेश्चन कहीं इस तरफ से तो नहीं है, मेरे पास जो आइडेंटिटी है कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा 789 का होल क्यूब प्लस 211 का होल क्यूब अपॉन में 789 का स्क्वायर माइनस 789 इंटू 211 इंटू प्लस सॉरी 211 का स्क्वायर। तो सर ऐसा क्वेश्चन में कल भी आपने घुमाने की कोशिश करी थी, बहुत सिंपल से लॉजिक से बता दें तो ये कुछ ऐसा चल रहा है कि ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर एक बात आप समझ लेना ऊपर का, कि हमको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या होता है। किसी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है क्या? हाँ यार सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, अगर बच्चे थोड़ा सा साथ में चलना चाहे तो उसकी आइडेंटिटी होती है क्या, ए माइनस बी, शायद ऐसे ही होती है क्या बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो सर, ये आइडेंटिटी होती है, कल ही तो लिखवाई थी बेटा। तो क्या सर वो आइडेंटिटी बार बार रिवाइज करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा। तो इसका ए प्लस बी आंसर हो गया, ए प्लस बी का मतलब क्या बेटा 789 प्लस 211। तो पहले वाले का आंसर तो सीधे कितना हो गया 1000। सर आपने क्या लगाई, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई, सिर्फ क्या लगाई आइडेंटिटी। अच्छा सर ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर आप तो सिर्फ सीधी सी बात करो, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर जाता है और नीचे क्या दिया हुआ है ए बी, नीचे क्या दिया हुआ है ए बी, तो क्या बचता है। मैं तो बच्चे को पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ और डायरेक्टली बोल सकता हूँ, याद रख ले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना बेटा। तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। तो सर ये से ये तो क्या हो गया कैंसल, अब बताओ ऊपर बचा ही कितना, सर ऊपर बच गया फोर ए बी, टू ए बी माइनस माइनस प्लस, तो फोर ए बी अपॉन में कितना ए बी,
कंसन, तो सेकंड वाले का आंसर कुछ करना ही नहीं था, सेकंड वाले का आंसर सीधे कितना आ गया, फोर। अरे यार सर, आपने तो इनको देखा तक नहीं, 893, 796 कुछ देखा ही नहीं, आप तो सीधे अलग ही ले गए। हाँ बेटा देखना, आंसर तो फोर आ गया। अभी सर जब भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी होती है, जब भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो सारी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। तो सर 4 × 9 × 3 × 6 कर ले क्या? मैंने बोला हाँ ऐसे ही कर ले। 4 9 जा कितना होता है 36, और 6 3 जा कितना होता है 18। अब 36 × 18 करके देख, क्योंकि अल्टीमेटली होती तो यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई होके ना। 8 6 जा कितना आ रहा है सर? 8 6 जा आता है 48। 48 आ गया ना, मतलब आखिरी में। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 8 ही है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 8। सर और क्या मल्टीप्लाई, अरे और क्यों करे जब आखिरी में 8 आ गया तो? सिर्फ जब भी आपको किसी भी नंबर की बेटा यूनिट डिजिट का याद करना हो, जब भी आपको किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी हो, तो आपको उसकी सिर्फ सारी की सारी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा तो बच्चों को बता दूं, मेरे पास तो एक फॉर्मूला था कि a+b+c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सर ऐसा फॉर्मूला था क्या? हाँ बेटा। अब बता a+b+c मेरे पास कितना है बेटा? 15। तो सर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा? a² + b² + c² + 2 ऑफ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ab bc और c है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 12। जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 12, है ना बेटा? जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास पूरी की पूरी यहाँ पे 12 गिवन है। तो सर ये कितना हो गया? 15 × 15। सर ये तो हो गया आपका 225, इसी बात करें तो, इज इक्वल टू a² + b² + c² + 24। अगर इसको माइनस कर दोगे तो a² + b² + c² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 201। कितना आ जाएगा? 201। ठीक है सर, अब आप हमको क्या सिखाने वाले हो? अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उसे तो मैं इसमें पहले एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अच्छा कोई बता सकता है 11 × 12 × 5 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 11 × 12 × 5। सर हम कर ही लेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा तू ऐसा कर, तू पूरा मल्टीप्लाई कर, पहले तू पूरा मल्टीप्लाई कर ले। सर देखो ना 12 5 से कितना हुआ? 60। और 60 × 11 इज इक्वल टू कितना होगा? 660। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं आता, है ना? ऐसे ही कुछ है ना, 60 × 11 इज इक्वल टू कितना? 660। तो इसकी आखिरी डिजिट क्या आ गई? 0। सर ये तो हमने निकाल लिया। मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं ये सब करता ही नहीं, मैं तो, इसकी यूनिट कितनी है? 1। इसकी यूनिट कितनी है? 2। और इसकी यूनिट कितनी है? 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करता तो 1 × 2 × 5 कितना था? 10। और मैं सीधे आंसर देता 0 इज द यूनिट डिजिट, तो क्या सही रहता क्या? देख बेटा, प्राचिकता को आंसर दे रहा हूँ, बाकी बच्चों को भी आंसर दे रहा हूँ। तुमने अगर पूरा नंबर मल्टीप्लाई करा तो फंसोगे, पूरा नंबर में क्या लंबा लंबा जाएगा। ये तो इजी नंबर थे, टफ वाले नंबर तो ये रहते कितने बड़े बड़े नंबर। तो जब भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी हो तो उसके सिर्फ यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर दो। जब भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी हो तो उसके सिर्फ यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, सर ऐसा एक और क्वेश्चन दे दो ना, तो हम एक बार ट्राई करते हैं। चलो बेटा मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। 784 × 9032 × 561 पता इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? सेकंड से इन्होंने क्या करा पता है? ये 4 2 और 1 पकड़ा और 4 × 2 × 1 कर दिया, दैट इज इक्वल टू कितना? 8। क्या बात है यार बेटा, मजा आ गया, दिल खुश कर देता। तो 4 2 × 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 8। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। ठीक है सर, तो यूनिट डिजिट वाला डाउट आपने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कोई डाउट है यार बेटा? फोर्थ 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 जिसको डाउट हो फोर्थ में पूछ सकता है, क्योंकि प्यारी प्रॉपर्टी है। समझना कि सर आपने कल एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, a³ + b³ + c³ - 3ab c इज इक्वल टू a+b+c इज इक्वल टू a² + b² + c² - ab - bc - c है, क्या सर आपने ये आइडेंटिटी लिखवाई थी? मैंने बोला हाँ यार बेटा लिखवाई तो मैंने ही थी कल, इतनी प्यारी आइडेंटिटी। तो अगर कोई बच्चा किसी से कोई पूछ ले कि व्हाट इज, अगर मैं तुमको बहुत ढंग से पूछना चाहूं कि
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर तुमसे कोई पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, एग्जांपल कि कोई तुमसे पूछ ले कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा, तुम तो बोलोगे देखो सर हमारे पास तो इसकी एक आइडेंटिटी है, ये क्या है a³ + b³ + c³, और माइनस करना पड़ेगा 3abc, माइनस करना पड़ेगा 3abc = उधर से एक आंसर निकल जाएगा, और सर हम चाहें तो ऐड करके भी निकाल सकते हैं। हाँ निकाल तो ऐड करके भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं तुमको एक बात की ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक तभी काम आएगी जब तुमको a+b+c कुछ गिवन हो। हाँ कि ना, अगर इस पूरे क्वेश्चन में कहीं से भी कुछ जुगाड़ से अगर a+b+c अगर कहीं किसी भी केस में जीरो हो जाए, a+b+c क्या हो जाए, जीरो, मतलब पहली वैल्यू क्या हो जाए तुम्हारे पास, जीरो, तो सर आप तो क्या कर रहे हो, ये 0 * पूरा ब्रैकेट ही कितना कर दोगे आप, जीरो, 0 * पूरा ब्रैकेट ही कितना हो जाएगा, जीरो। देन बेटा a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या हो जाएगा तेरे पास, जीरो, तो सर ये इस तरफ आ जाएगा, तो वो आ जाएगा a³ + b³ + c³ = 3abc = व्हाट, 3abc। तो सर समझाना क्या चाहते हो आप बार बार। अब मैं तुझसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने पूछा था, मुझे मैंने 10 कि मैंने तुझसे पूछा क्या था, 15 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब माइनस 27 का क्यूब, ये पूछा था मैंने तुझसे, क्या ये ए है, क्या ये बी है और क्या ये सी है, और अगर a+b+c अगर जीरो आ रहा है, अगर a+b+c कितना आ रहा है बेटा तेरे पास, जीरो, आई रिपीट, अगर तेरे पास a+b+c कितना आ रहा है, जीरो, तो मुझे बता a+b+c कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो, a+b+c कितना आ रहा है, जीरो, तो मुझे बता a³ + b³ + c³ = क्या हो जाएगा, t a b c, तो 3 * 15 या 15 * 12 कितना हुआ, शायद 15 * 180, 180 * 3 इस 540 - 27 जो भी होगा वो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो मैं उन बच्चों को चेक कराता हूँ, अगर तुमसे कोई भी पूछ ले ऐसा कि सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो सर हम तो निकाल देंगे, मैं बताऊँ क्या आंसर आएगा, मुझे पता है कि a+b+c कितना आ रहा है, 0, 1 + 2 = 3, 3 - 3 = 0, इसका आंसर आएगा 3abc, मतलब 3 * 1 * 2 * -3, तो सर इसका आंसर कितना आ गया, 3 * 2 = 6 - 3 कितना आ गया, -18, तो सर आपने इसका आंसर 3abc लिख दिया। हाँ क्या एक्चुअली चेक करेगा 3abc आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, सर चेक करो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, चेक कर तो जरा, 27 में से 9 गए तो कितना बचा, -18। सब फिर एक और एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों को बोलूं कोई तुझसे पूछ ले कि 15 का या 12 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ओहो अब सर इसमें तो हम पागल हो जाएंगे, 12 का क्यूब निकालते बैठेंगे क्या, और सर स्क्वायर नहीं बोला है 12 का क्यूब बोला है, तो कभी कोई बच्चों से वाओ 12 का क्यूब 144 होता है, अरे 12 का क्यूब 144 नहीं होता, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब होता है 1728, तो क्या निकालते फिरेंगे, अरे नहीं सर ये ए है ये बी है ये सी है, तो अगर मैं तुमसे बात करूं ये ए है ये बी है और ये क्या है सी, तो a+b+c अगर ध्यान से देखेंगे a+a+c जीरो हो रहा है क्या, हाँ, तो इसका आंसर होगा 3abc, 3abc, तो इसका मतलब क्या देखने यार, 3 * 2 = कितना 36, 36 * कितना 35, क्या बात कर रहे हो सर, ये आंसर आ जाएगा, हाँ बेटा, और तो 36 * 35 तो मल्टीप्लाई भी तो कर लेगा, तो इजीली तेरे पास आ जाएगा 1080 के आसपास या 1280 के आसपास। लेट अस स्टार्ट, मेरे पास बेटा पहला क्वेश्चन कुछ आपके पास ये है, सेम एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, इफ a² + b² + c² = 250 एंड ab + bc + ca = 3, फाइंड a+b+c एंड व्हाट a+b+c, ठीक है सर ये क्वेश्चन है क्या बेटा, हाँ बेटा ये क्वेश्चन है, आप करते हैं, मेरे पास a+b+c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ac, ठीक है बेटा, a+b+c का होल स्क्वायर a+b+c का होल स्क्वायर
आया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसा मैंने बता दिया उन्होंने ने उल्टा आ गया चलो बेटा 250 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो क्या बात है तो बेटा देखना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 250 प्लस 2 इनटू 3 ठीक है सर आपने तो फॉर्मूले लगाया कोई बड़ी बात तो करी नहीं बस एक ही बात है बच्चा वहां पे अटकेगा जिसको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता क्योंकि देखना बेटा 250 इनटू 2 इनटू 3 इज इक्वल टू कितना 256 तो क्या सर 256 किसी का स्क्वायर होता है हाँ बेटा 16 का तो सर आपने ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताइए क्या ट्रिक बट इसका तो अपना YouTube पे भी एक वीडियो डाला हुआ है बहुत प्यारा सर इसका मतलब कितने मिनट में 6 सेकंड में आप पूरा ठीक है सर अब यहाँ पे आपको गिवन है x माइनस वन बाय एक्स देखो सर कोई बड़ी बात नहीं है सबसे पहले तो आप करोगे x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर अगर चाहो तो x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर सर वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स ठीक है बेटा कोई बड़ी बात नहीं है तो सर इससे क्या होगा से ये तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स कैंसिल हो गया माइनस 2 ठीक है बेटा कितना हो गया माइनस 2 इसको इधर ले लो तो 9 प्लस 2 इज व्हाट 11 तो तेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर तो आ गया भैया 11 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना आ गया 111 सर जब तक ये नहीं आएगा आप आगे बढ़ सकते हो क्या नहीं यार बेटा वो अपन आगे नहीं बढ़ सकते क्यों क्योंकि अब अगर बच्चों को बोलूं कल जैसे ही कि x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर निकालना है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स ठीक है बेटा x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स तो एक्स से एक्स तो क्या हो गया कैंसल ठीक है सर कैंसल कैंसल अब बता ये क्या बचा मेरे बच्चे बच्चे ये तो बचा 11 प्लस 2 मतलब x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 13 तो सर x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू कितना है रूट ठीक है सर हमने भी थोड़ा बहुत तो ट्राई किया था सर यहाँ तक अगर यहाँ तक ट्राई कर लिया तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला सर कैसा झिंगा लाला समझना बेटा आप देखो जैसा झिंगा लाला चाहिए वैसा झिंगा लाला करते अगर देखो चाहिए x प्लस वन बाय एक्स का एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब एक्स क्यूब क्या चाहिए प्लस वन बाय एक्स क्यूब तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी क्या बात कर रहे हो सर सर क्या पूरा 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 फॉर्मूले का खेल है क्या हाँ बेटा तो जैसे पूरा रिश्तों का खेल होता है यहाँ पे पूरा फॉर्मूलों का खेल है जिसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कल आपने क्या सिखाई थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी क्या सर पूरा फॉर्मूला का खेल है हाँ यार बेटा तो ये कितना हो जाएगा तेरे पास रूट 13 का होल क्यूब एक्स एक्स कैंसल माइनस थ्री रूट 13 बच्चा समझे जब भी तू क्यूब निकाल रहा है क्यूब का मतलब क्या रूट 13 इंटू रूट 13 इंटू रूट 13 सर रूट 13 इंटू रूट 13 कितना हुआ 13 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13 क्या बात कर रहे हो सर 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13 इसका मतलब ये कितना हो गया टेन रूट 13 टेन रूट 13 सर क्या इसकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं हाँ बेटा आज सुबह को जो एक्स्ट्रा बैच कराई थी ना उसमें यारे क्वेश्चन और भी कराए थे तो क्या सर फिर करा दोगे जब तक बच्चे जिद करेंगे तब तक एक चीजें मैं कराता रहूंगा बता आप बोलो यार सर समझ में नहीं आया आप मुझसे एक्स्ट्रा बैच रखवाओ क्या मैं एक्स्ट्रा बैच रखने को तैयार हूँ पूरे रूप से यार बेटा आराम से अच्छे से है ना बेटा ठीक है तो सर ये तो आपका ही हो गया सर व्हाट इज एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी एक्स माइनस कितना वन बाय एक्स ठीक है सर सर व्हाट नेक्स्ट तो सर x माइनस वन बाय एक्स होता कितना है क्वेश्चन ने देखे रखा है x माइनस वन बाय एक्स है तुम्हारे पास कितना 3 तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ये कितना हो गया 3 तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 36 क्या बात है यार सर
सर कल कुछ भारी लग रहा था, आज थोड़ा इजी लग रहा है, या सर अभी भी इस चैप्टर में और कॉन्सेप्ट बाकी है? हाँ बेटा, मैंने बिल्कुल आराम से करने की कोशिश करी है किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर व्हाट इज नेक्स्ट? एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बोला है सर, फॉर्मूला लगाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक बेटा, तो मुझे बता एक्स प्लस वाई तेरे पास क्या है? एक्स प्लस वाई है तेरे पास कितना बेटा? 12। तो ये 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 27 इंटू 12। सर ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि 12 का क्यूब तो हमको पता नहीं है। मुझे तो पता है कि 12 का क्यूब 1728 होता है, लेकिन तेरे को नहीं पता है। तो ठीक है ना बेटा, तू 12 कॉमन ले लेना, इधर भी 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 27, तो 27 इंटू 3 कितना हुआ? 81। तो 12 इंटू 144 माइनस 81, तो सर बचा कितना आपके पास? अगर मैं आपको बताऊं तो 12 इंटू, अगर अपन बात करें 12 इंटू, अगर अपन बात करें तो बता कितना बचा? चलें 144 इंटू कितना? 53 81। कितना बचा बेटा? 53 53 63 है ना? ठीक है सर, जो भी हो जाए फ्री हो जाएगा, 630 प्लस 126 756 के आसपास हो जाएगा। ठीक है यार सर, अभी सर अगला वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा घुमा के पूछा है आपने। मैंने बोला हाँ बेटा घुमा के तो पूछा है अगला क्वेश्चन, क्योंकि सर इस बार है ना आपकी जो नियत होती है, वो जो नियत है उससे आपने अलग क्वेश्चन पूछा। सर नियत से अलग क्वेश्चन कैसे पूछा? कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे दिया इस बार। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, पहले मैं एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab। ठीक है बेटा, क्योंकि सर आपने दिया ही उल्टा ना इस बार, इस बार आपने ये दे दिया, और आप देते हैं हमेशा एक्स माइनस 1/x हो या एक्स प्लस 1/x हो। तो ठीक है बेटा समझ, आराम से अगर तेको ये भी मिल गया तो एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये तेरे पास कितना है बेटा? 83, और 83 में से 2 गया तो बचा कितना हो गया ये? 81। सर ये 81 तो क्या हो गया? एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, सॉरी है ना बेटा, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो बता एक्स माइनस 1/x तेरे पास कितना हो गया? सर एक्स माइनस 1/x हो गया 9। एक्स माइनस 1/x क्या हो गया? 9। ठीक है सर समझ में आ रहा है होले होले, लेकिन सर आंसर में तो ये नहीं निकालना है, आंसर में क्या निकालना है? एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो सर फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी या तो ऐसा लिख लो एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x 1/x इनटू क्या बेटा? बोलो बोलो, इनटू एक्स माइनस 1/x। सर ये सब क्या फॉर्मूलों का खेल है? हाँ बेटा फॉर्मूले तो फॉर्मूले होते हैं। इसका मतलब क्या सर? जो कल वाले फॉर्मूले लिखवा है, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, छोटे बच्चों को, तो मैं उनको तीन तीन चार चार बार बोलता हूँ फॉर्मूले लिखो। अब तुम तो बड़े हो गए हो ना बेटा, तो तुमको मैं बार बार बोल नहीं सकता फॉर्मूले लिखो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ यार बेटा, लेकिन इनका फॉर्मूले तीन चार बार लिख लेने चाहिए। हाँ बेटा, छोटे बच्चों को ये कौन सी क्लास का मैथ्स है पता है? 9th क्लास का मैथ्स से। तो सर क्या आप 9th क्लास का मैथ्स पढ़ा रहे हो आईपीएम का नाम बोल के? नहीं बेटा बीमारी नहीं कर रहा हूँ, ये कोर्स पूरा ही कोर्स आता है ना बेटा, 9th 10th 11th 12th डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आईपीएम में, तो वो चीजें भी आती, सारी चीजें आती है बेटा, लॉग परम्यूटेशन। तो बेटा हर टॉपिक का कहीं किसी ना किसी क्लास से आपका रिलेशन होता है। सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं बताना इतना सा चाहता हूँ बेटा, बेसिक मैथ्स है, इसको समझना हो ना तो बहुत आराम से फॉर्मूला बेस से करना पड़ेगा। एक्स से एक्स तो कैंसिल, अब बता दे ये कितना बचा? 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 प्लस 27 इज इक्वल टू 756। कितना आ गया बेटा? 756। ठीक है बेटा, 29 प्लस को सर ये तो एक भी पता है। हाँ, आप करोगे 29 प्लस 11, 29 माइनस 11। हाँ यार बेटा, फिर आप करोगे यहाँ पे 23 प्लस 17, 23 माइनस 17। हाँ यार बेटा, सर ये हो जाएगा 20 इनटू 2, ये हो जाएगा सॉरी 20 क्या 50 है ना बेटा, 50 40 40 40 इनटू 2, और ये आ जाएगा सर 40 इनटू कितना? 6। देख ले बेटा, तो सर ये 40 से 40 गेट कैंसिल, बचा कितना तेरे पास? 1/3 बचा कितना तेरे पास बेटा? भैया वो 2 कहाँ से आया? 20, अच्छा 29 माइनस 11 12 है ना? 18 आएगा। 18 है, 18 29 माइनस 11
हाँ 18, ये 1 ये 3 सा, तो यहाँ पे पूरा कितना आ गया 3। ठीक है बेटा, चलो अभी सर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। सर यार ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक लग रहा है देखते सही। तो ठीक है बेटा अपन करते हैं, अपन करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड है ना बेटा, क्या दिया हुआ है अगर मैं बोलू देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ट्वाइस ऑफ कितना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना बेटा जेड एक्स। सर आइडेंटिटीज का खेल सिखा रहे हो, पूरा उसी का खेल सिखा रहा हूं बेटा, सुनना एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है राजा 1, सर 1 का स्क्वायर 1 ये पता नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता नहीं, प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है बेटा माइनस 1। ठीक है सर, तो इस पूरे को इधर भेज दूं क्या, तो 1 ये माइनस 2 था, प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होने वाला है बेटा 3। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है तेरे पास 3। ओके सर नो प्रॉब्लम, अब निकालना क्या है, निकालना ये थो ना है, निकालना तो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता था x प्लस y प्लस z, ब्रैकेट में आता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। सर यार बहुत फॉर्मूले लिखवा रहे हो यार, बस आज का दिन है, बस आज का दिन फिर हो जाएगा सही। ठीक है सर आपने बोला तो चलो मान लेते हैं, ये बता x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 1। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 3 माइनस ब्रैकेट में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है ना, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है बेटा माइनस 1। सर फिर गेम क्या चल रहा है, अगर गेम किसी बच्चे को समझना है तो गेम चालू हो चुका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 4, चेक कर ले 1 इनटू 4 3 होगा ना, क्यों 3 माइनस ऑफ माइनस 1 है ना बेटा, अच्छा नहीं पहले वाला प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 4 इज इक्वल टू कितना 4, इसको उधर भेज दे तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 1, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। अच्छा एक बात बताओ, मैं सिर्फ इतना से एक